कि अगर इस देश में भारत का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो मैं कभी यहां नहीं होता और आपके सामने खड़ा नहीं होता। तो जिस सीढ़ी से चलकर मैं आया हूं वो सीढ़ी मेरी आंखों के सामने तोड़ी जा रही है, और मंच पर आकर के मैं आपसे तालियां बजवाने के लिए वो बात कहूं कि सब लोग खुश हो जाएं और कल को मुझे वाइस चांसलर बना दें, वो वाइस चांसलरी किस काम की है कि कल वापस जाके जब मेरे लोग मुझसे पूछेंगे मेरी नौकरी बर्बाद हो गई, शिक्षा बर्बाद हो गई, रोजगार बर्बाद हो गया, तुम उन लोगों के साथ बैठ करके कह रहे थे जय भीम जय मंडल। ये सबसे बड़ा खतरा है। उन लोगों को पहचानिए जो आपके वैचारिक दुश्मन है। मैं ओबीसी समाज से आता हूं और मैं ओबीसी समाज को एक शिकायत करता हूं, इस देश में ज्योतिबा फूले माली जाति से आते थे, ओबीसी थे, डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें अपना तीसरा गुरु बनाया था, शाहू जी महाराज ओबीसी जाति के थे, पेरियार चरवाहा समाज के थे, ओबीसी घरों में इनकी तस्वीरें नहीं है, शिवदयाल सिंह चौरसिया 1928 में बिहार में और उत्तर प्रदेश में आदि हिंदू सभा बनाए और जब हिंदू लोगों ब्राह्मणों के पास गए और उनसे कहे कि मैंने आदि हिंदू सभा बनाया है इसकी मेंबरशिप ले लो, तो ब्राह्मणों ने कहा हम हिंदू थोड़े ही हैं, हम तो आर्य हैं, तब चौरसिया साहब खड़े हुए और उन्होंने वो पर्चा फाड़ के कहा जब तुम हिंदू हम हिंदू, हम तो ये समझते थे दोनों एक हैं, और जब तुम हिंदू नहीं तो हम भी हिंदू नहीं, और उन्होंने उसका नाम बदल कर कहा डिप्रेस क्लासेस लीग, बैकवर्ड क्लासेस लीग। 1948 में उसका लखनऊ में सेमिनार कराया और उसकी अध्यक्षता करने के लिए पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर को बुलाया, तब जाके बहुजन एका बनी थी। बस खतरा यह है कि उन लोगों को पढ़ने नहीं दिया गया। पनवाड़ी घरों में शिवदयाल सिंह चौरसिया का नाम नहीं है, मेरे अपने यादव घरों में पेरियार ललई सिंह यादव का नाम नहीं है। पेरियार ललई सिंह यादव ने क्या कहा था, मैं उनकी बात कह के रहा हूं, बलिदान न सिंह का होते सुना, बकरे बलिवेदी पर लाए गए, न काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, विषहीन सदा तड़पाए गए। ये कहा था पेरियार ललई सिंह यादव ने। और जब त्रिवेणी संघ बना 1930 में बिहार में और बाद में अर्जक संघ बना उत्तर प्रदेश में, इन दोनों का नारा क्या था, ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान, जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं, जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। हमारे डॉक्टर लोहिया ने कहा 100 में पिछड़ा पावे 100 में 60 सन सोपाने बांधी गाठ, तब उसको जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा ने नारे को आगे बढ़ाया कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जो जमीन को जोते बए वो जमीन का मालिक होए, और राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम, और सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आप नेताओं के गुलाम बन गए इसलिए क्योंकि आप एकजुट नहीं रहे। अचानक कोई नेता आके कहता है कि आप चलो हिंदू धर्म खतरे में है, अरे उससे रोक के पूछिए हमारा स्कूल और विश्वविद्यालय खतरे में है तब तुम क्यों नहीं आए, मेरी नौकरी कोरोना में चली गई तब तुम क्यों नहीं आए, हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई तब तुम क्यों नहीं आए, और 85% हिंदू तब बनाते हो जब मुसलमानों के खिलाफ दंगा कराना होता है, और उसके बाद दलित महिला थी, सुनिए, दलित महिला थी उत्तराखंड में, खाना बनाकर स्कूल के बच्चों को खिलाती थी, और दलित महिला की जाति देखकर सवर्ण बच्चों ने कहा हम खाना नहीं खाएंगे, तब हिंदू धर्म खतरे में क्यों नहीं आया, ये मेरा सवाल है। उस महिला की जाति देखते हो क्योंकि वो दलित है इसलिए हम खाएंगे नहीं। पूछिए उन लोगों से 2 अप्रैल के भारत बंद के दिन वो लोग कहां थे जो केंद्र से लेकर के राज्य में सत्ता में बैठे थे और दलित सीटों पर चुन करके गए थे। पूछिए उन लोगों से 13-point रोस्टर आया तो वो कहां थे। पूछिए उन लोगों से नई शिक्षा नीति के नाम पर जब सब बेचा जा रहा है और आज आप कह रहे हो पाकिस्तान कब्रिस्तान, इस देश में हिंदू मुस्लिम की आग तब लगाई जाएगी जब दलित पिछड़े आदिवासी बच्चे अपनी शिक्षा और रोजगार और स्वास्थ्य की बात करेंगे। आज इस देश में एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया गया और हाथरस में बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया तब उस राष्ट्रपति की क्यों जय जवान खोली, यह सच पूछना जरूरी है। और आपने मुझे आमंत्रित करने का जोखिम लिया था, मैं अपना काम करके जा रहा हूं। आपने ये बात जो कही थी ऐसे मंचों पर आप हमें नहीं भी बुलाएंगे
तब भी भारत के संविधान और मंडल कमीशन ने एक नौकरी दे दी है, हम वहां गुजारा कर लेंगे, हमें आपका वोट नहीं चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मंच से घर जाने के बाद ये महिलाएं और बच्चियां, ये नौजवान अपने घर में अपने बाबूजी से पूछें कि दाप तो धर्म को बचाने गए थे, मेरी शिक्षा, मेरी रोजगार, मेरी नौकरी और मेरे देश को बेचने वालों के साथ क्यों खड़े थे। ये सवाल आपसे पीढ़ियां पूछेंगी। मैं जानता हूं कि मेरी बातों का कोई असर नहीं होगा, पता नहीं अगली बार आप बुलाएंगे भी कि नहीं बुलाएंगे, लेकिन मैं ये बात कह के जा रहा हूं, जंगल में आग लगी, चिड़िया पानी डाल रही थी और कुछ चिड़िया उस पेड़ से उड़ नहीं रही थी। कविता लिखी है कि आग लगी इस वृक्ष को, जलने लागे पात, उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। उन पक्षियों का जवाब ध्यान से सुनिएगा, फल खाएं इस वृक्ष का, गंदे किन्हें पात, धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ। आपके लोग आपको छोड़ करके जो चले गए अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए, बाबा साहब के सबसे अच्छे वारिस, सबसे बड़े वारिस ने एक किताब लिखी है, उसको पढ़िएगा, चमचा युग। उस किताब में कई किस्म के चमचे लिखे हैं। 1932 में पूना पैक्ट, आज लोग कहते हैं गांधी बनाम गोडसे, गोडसे की मूर्ति और गोडसे के नाम पर इस देश में दंगा। बाबा साहब ने कहा, और यह बात हमें समझनी चाहिए, अपने पुरखों का केवल नाम लेके फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, नौजवानों की पीढ़ी को समझाइए, नहीं तो कल को, आज रामायण देख रहा है टीवी पर, कल राम मंदिर बनवाने चला जाएगा, आपका घर लूट जाएगा, वहां आप खड़े हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर रोए थे पूना पैक्ट जब करके आए, गांधी को 3 गोलियां मारी थी उन लोगों ने जो आज शासन कर रहे हैं, वो हमसे कहते हैं हमारे पुरखे ने गांधी की जान बचाई है, उन्होंने 3-3 गोलियां गांधी के सीने में मारी है, हम वो लोग हैं। और आखिरी बात कह के जा रहा हूं, इस देश में बहस चला रही यार ये गांधी बनाम गोडसे, आप गांधी के साथ हैं कि गोडसे के साथ हैं, मैं कहता हूं गांधी बनाम गोडसे में हम गांधी की हत्या करने वाले नहीं, गांधी का जीवन बचाने वाले डॉक्टर अंबेडकर के साथ हैं। पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर और गांधी की बहस में हम पेरियार के साथ हैं, भगत सिंह और गांधी की बहस में हम भगत सिंह के साथ हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर और गांधी की बहस में गांधी के नहीं डॉक्टर अंबेडकर के साथ हैं, और गांधी और लोहिया की बहस में हम लोहिया के साथ हैं, ये हमारी विरासत है। आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी साहब कि जब देश लूट रहा था, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा था, दंगाई बनाया जा रहा था, तब आप